नाइट्रोसोमनस यूट्रोफा, नाम सुना है किसी ने? सुना होगा किसी ने? नाइट्रोसोमनस यूट्रोफा नाम का एक बैक्टीरिया होता है, और नाम से कुछ ऐसे पता चलता है कि वो अमोनिया को नाइट्रस ऑक्साइड में बदल देता है। तो उसका काम क्या है, अमोनिया मिली तो नाइट्रोस, अमोनिया कैसी गंध, हमारा शरीर से एक बाई प्रोडक्ट उसका अमोनिया भी होता है, और हमारे शरीर में जो गंध निकलती है कई बार, बदबू जिसको हम बोलते हैं, वो अमोनिया है, और वो बैक्टीरिया उस अमोनिया को उसका सफाया कर सकता है, मतलब उसको किसी और प्रोडक्ट में बनाकर निकाल सकता है। तो एक कंपनी अमेरिका में है, नाम है ए बायोम, और मैंने उनका आर्टिकल कुछ थोड़े साल पहले पढ़ा। उसने क्या करा कि अपने यहाँ जो स्प्रे आते हैं ना, जानते हैं वो परफ्यूम वाले, तो हमारे यहाँ तो आजकल हिट हैं वो, हर जगह चलते हैं। तो उसने क्या करा, एक ऐसा स्प्रे बनाया, और 700 करोड़ की कुछ कंपनी है, कि उस स्प्रे में ये वाला बैक्टीरिया कल्चर करके रख दिया। मतलब आप स्प्रे करेंगे तो परफ्यूम तो आएगी, जो आएगी वो पूरा बैक्टीरिया आपके ऊपर आ जाएगा। और उनका क्या कहना है कि आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक महिला ने जो उसने प्रयोग करा, तो जिसके बारे में आर्टिकल लिखा था, एक महीने तक स्नान भी नहीं करा, और रोज़ शाम को दफ्तर से आने के बाद या सुबह जो भी, पूरे शरीर में और खूब कसरत, पसीना वसीना सब बहाया, और एक महीने तक जाती रहीं। और किसी को, बगल वालों को तो खैर कुछ नहीं पता चला होगा, नहीं तो आने नहीं देते उसको। तो जो भी उसके साथ उसके कर्मचारी थे, सहकार्यकर्ता, किसी को कुछ नहीं बोला, एक महीने तक उसने ये प्रयोग करा। और हमारे शरीर में ये चीज़ें होती हैं, और हम लोग उस पर इतना टाइड और रिन और पियर और क्या क्या जो बस सब चीज़ें घिसते हैं, और वो बिल्कुल हमारे शरीर से वो लुप्त ही हो गया, बिल्कुल नहीं बचा होगा। तो मैंने ये सोचा जब पढ़ा, तो मैंने कहा मैं भी एक प्रयोग करता हूँ, 2 साल करीब हो गए, तो मैंने कहा हम भी प्रयोग करते हैं। शरीर पे तो खैर नहीं लगाएंगे, तो शरीर पे तो हम नहीं लगाते, लेकिन चलो देखते हैं कपड़ों पर भी लगाना है कि नहीं। आपको क्या लगता है, भारत में सबसे ज़्यादा अगर हमारे पानी प्रदूषित है, तो उसका सबसे बड़ा कारण या बहुत बड़ा कारण क्या है, कौन है? हाँ, अब तो आपको, क्योंकि ये चर्चा चल रही थी तो निकल के आ गया, बट सबसे बड़ा कारण आजकल के डिटर्जेंट हैं। देर वॉज अ रिसेंट रिसर्च विच सेज, एंड आई विल कम बैक टू दैट सेम स्टोरी, इंसानों में, ह्यूमन मेल पॉपुलेशन में, शंक्राणु बोलते हैं ना स्पर्म को हिंदी में, संख्या 50% हो गई है पिछले 20 सालों में। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, हर देश के, सोचिए कहाँ जा रहे हैं। कुछ लोग सोचेंगे अच्छा है, जनसंख्या घट जाएगी। 50% ह्यूमन रिप्रोडक्टिविटी हैज गॉन डाउन 50% बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक्स दैट वी यूज, बिकॉज ऑफ ऑल दीज केमिकल्स एंड इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट वी यूज। इसके बारे में तो चर्चा हमारी क्लास में होनी बहुत ज़रूरी है। क्या हमें ब्लीचिंग पाउडर चाहिए अपने कपड़ों में? देखें तो सही, एक बार कोशिश तो करें, एक बार अपने परदादा से, परदादा तो शायद लोगों के नहीं हो, बट दादाजी से पूछ तो लें, क्या वो रोज़ साबुन शरीर पर रगड़ते थे, या रोज़ कपड़ों में लपेटते थे साबुन, या सुबह नहाने जाते थे तो उसी टाइम पानी में खंगाल कर धूप में टांग देते थे।